तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज की इसमें बात करेंगे फिनोपेट्स बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली फिनो बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि काफी कमाल का ये अपडेट है। और ये अपडेट हमारे सभी बीसी मर्चेंट भाइयों के लिए, साथ में हमारे जितने भी फिनोपेट्स बैंक के कस्टमर्स या ग्राहक है, उन सभी के लिए अपडेट काफी फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करते तो आप जानकारी मिस कर पाएंगे और आपको काफी परेशानियां और बहुत सारा नुकसान भी होने वाला है। क्योंकि क्या था, एक छोटी सी कमी के कारण से काफी नुकसान होता था और एक छोटी कमी से हमारे जो कस्टमर्स वापस चले जाते थे। तो इस छोटी सी कमी को फिनोपेट्स बैंक ने पूरा कर दिया और ये बहुत ही कमाल का अपडेट होने वाला है। और साथ में हमारे जितने भी मतलब ग्राहक आते हैं, जितने भी हमारे बीसी मर्चेंट, उन सभी को फायदा होने वाला और जो काम है वो अर्निंग सारा बढ़ जाएगा। और ये जो अपडेट है, ये अकाउंट्स ओपनिंग को लेकर है। इसमें कई सारा चीज बदलाव किया गया और बहुत सारी चीज में चेंज किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पर टोटल जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो फिर वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ में चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि वीडियो से वीडियो को अपने लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी लगे कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है, तो सारे चीज को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव, क्या अपडेट आया हुआ है और क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो अपडेट है, ये अकाउंट ओपनिंग को लेकर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि फिनोपेट्स बैंक के हमारे जितने भी बीसी मर्चेंट है वो फिनो में खाता खोलते हैं, तो ये खाता खोलने से संबंधित ही अपडेट है। तो फिनोपेट्स में कई सारे अकाउंट ओपनिंग किए जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन है, बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं। उनमें से केवल एक ही अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है, जिसका नाम है भविष्य सेविंग्स अकाउंट, जिसको हम लोग माइनर अकाउंट के नाम से भी जानते हैं या भविष्य बचत खाता के नाम से भी जानते थे। ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता था पहले कि फिनोपेट्स बैंक में माइनर अकाउंट खोलने के लिए 10 से 17 साल के बीच में ही अकाउंट ओपनिंग होता था। यदि आपका कस्टमर जो ग्राहक है वो यदि 17 साल एक मंथ का हो गया है तो वहां पर अकाउंट ओपनिंग नहीं होता था। उसके लिए क्या करना था उसको, या तो उसको 18 प्लस होना चाहिए था या तो उसको 17 के बीच में होना चाहिए, यानी कि बीच में एक साल का गैप करना होता था। इसमें काफी बड़ा लॉस होता था क्योंकि कस्टमर एक साल वेट नहीं कर सकता और वो कहीं और जाकर अकाउंट ओपनिंग करवा लेता था। तो बहुत ही मतलब एक बैड सर्विस थी, या बैड न्यूज हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो बहुत ही बेकार की सर्विस थी। तो ऐसे में एक साल वेट करना पड़ता था और ग्राहक टूट जाते थे, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। यदि एक भी दिन एक्स्ट्रा चला जाता था, यानी कि 17 साल से एक भी दिन ज्यादा हो जाता तो वहां पर अकाउंट ओपनिंग नहीं होता था। तो इसमें भी काफी बड़ा अपडेट किया गया। और दूसरा इसमें क्या था कि जो माइनर अकाउंट था उसकी जो डेली की लिमिट थी वो केवल 10,000 रुपए थी और महीने का जो लिमिट था वो 20,000 रुपए था, ये उसकी लिमिट थी। और भी कई सारी दिक्कतें थी उसमें, तो उन सभी को बदलाव किया गया और उसका जो मतलब अधिकतम जो अमाउंट था वो 50,000 तक, 50,000 तक अधिकतम रख सकता था, उससे ज्यादा नहीं रख पा रहा था। तो इन सभी का बदलाव किया, तो बहुत ही कमाल का ये अपडेट होने वाला है। क्या इसमें अपडेट किया, क्या नहीं किया, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, साथ में आपको मैं बारी बारी से बताया तो क्या क्या अपडेट यहाँ पर हुआ है। तो ये जो अपडेट है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँ, स्क्रीन भी आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा बीच में, और साथ में मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन बता देता हूँ। तो ये जो भविष्य सेविंग्स अकाउंट्स के लिए है, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की इसको हम लोग बोलते हैं जो 10 से 17 साल के बीच में होता था। तो पहले क्या था, इसका पुराना हम बात कर रहे हैं, जो पुराना इसका था एज लिमिट वो 10 से 17 साल था। अभी जो अपडेट करके नया किया गया वो है आपका 10 से 17 साल और 9 महीने, यानी कि जो 17वां उसका साल चलेगा उसको 9वें मंथ तक जा सकता है, यानी कि अभी 2 मंथ उसको वेट करना पड़ेगा, दो नहीं केवल 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। जैसे पहले एक साल वेट करना पड़ता था यदि वो 17 साल से एक भी दिन एक्स्ट्रा चला था तो उसका अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो 17 साल से एक्स्ट्रा वो 9 महीने का भी हो जाता है, 9 मंथ का भी, तभी वो अकाउंट ओपनिंग करवा सकता है। यदि वो 9 महीने से ज्यादा हो जाएगा तब वो अकाउंट ओपनिंग नहीं करवा पाएगा, तब उसको 3 महीना वेट करना पड़ेगा 18 साल होने में, ठीक है। तो ये काफी गजब का अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने कोई वेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने तो उसको जाहिर सी बात है माइनर से मेजर होना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वेट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट क्या किया गया, इसमें 9 मंथ बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 10 से 17 साल था तो अभी 10 से 17 साल और 9 मंथ कर दिया गया है। पहला ये अपडेट किया, एज में बदलाव किया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या गया, जिसका डेली का ईओडी बैलेंस था वो महीने का टोटल 50,000 था, 50 वो डेली जमा कर सकता था, अभी वो 1,000 रुपए जमा कर सकता है, ठीक है, 1,00,000 रुपए ईओडी बैलेंस जमा कर सकते हैं डेली, इतना कोई दिक्कत नहीं है।
माइनर बैंक, और जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट था वो उसका पहले क्या था, पुरानी की हम बात कर रहे हैं तो ओवर डेली विड्रॉल लिमिट उसका 10,000 था, यानी कि वो पर डे केवल 10,000 निकाल सकता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पर डे वो 10-10 करके डेली निकाल सकता, केवल महीने का 20 लिमिट था, लेकिन वो एक दिन में अधिकतम वो 10 ही निकाल सकता था, ज्यादा नहीं, और पूरे महीने का लिमिट वो 20 केवल था उसका। ठीक है, यदि वो मान के चलिए 2-2 करके महीने 20 निकाल लिया तो 20 से ज्यादा वो नहीं विड्रॉल कर सकता था, और ये 10-10 करके 2 दिन में विड्रॉल कर लिया तो उससे ज्यादा वो विड्रॉल नहीं कर पा रहा था। अब इसको जो नया लिमिट किया गया है वो डेली का 20 कर दिया गया, पर डे वो 20 निकाल सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 निकाल सकता, पर डे वो 20,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, अब इसके मंथली लिमिट की बात करते हैं, जो महीने का लिमिट था तो इसका जो महीने का पुराना जो लिमिट था वो 20,000 था महीने का केवल, अभी जो नया किया गया वो 50,000 कर दिया गया, वो महीने 50,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकता है माइनर अकाउंट से, और डेली का उसका 20,000 रुपए उसका लिमिट है, डेली का महीने का 50,000 है। तो इसमें मान के चलिए 4 बदलाव किए गए। पहला एज का बदलाव किया गया है कि उसका 9 मंथ बढ़ गया, ज्यादा हो गया है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर जो डेली का जो बैलेंस डिपॉजिट था वो हो गया आपका ज्यादा, 1,00,000 रुपए हो गया है। उसका जो ओवरऑल लिमिट था पर डे का 20 था वो कर दिया आपका, पर डे का 10 था, पर डे का 20 कर दिया गया है। और मंथली लिमिट की बात करें तो महीने का 20 था तो महीने का 50 कर दिया गया है। तो ये अपडेट हो चुका है, और इसकी हम बात करते हैं ये कब से चल रहा है। तो ये 1 फरवरी से वेब पोर्टल पे लाइव हो चुका है, यानी कि जो आपका डेस्कटॉप मोड है उस पर 1 फरवरी से ये चालू चल रहा है, आपका ये अपडेट चल रहा है। उसके बाद ये आपका मित्रा वर्जन जो है ये 29 जनवरी से हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर वर्जन भी आप देख सकते हैं 4.5.7 है, और लाइव फॉर ऑल यूजर्स यानी कि सभी यूजर्स के लिए यह अपडेट जो है ये 15 फरवरी तक सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। सभी के लिए क्या है कि बहुत सारे भाइयों का जो एंड्रॉइड वर्जन वो अलग अलग होता है, तो सभी के लिए वर्जन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये 15 फरवरी तक सभी वर्जन में लाइव हो जाएगा, सभी लोग इस अपडेट का बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपको ये छोटा सा जानकारी शेयर करना था, और ये बहुत ही कमाल का अपडेट है, बहुत ही अच्छा ये अपडेट है, क्योंकि माइनर अकाउंट ज्यादा तक अकाउंट ओपनिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में क्या होता है पैन कार्ड मांगता है और कुछ मांगता है, वहां पर तत्काल अकाउंट ओपनिंग नहीं हो पाता है, फिनोपेट्स बैंक में तत्काल खाता खुल जाता है माइनर अकाउंट, तो उसमें क्या दिक्कत है, एज का दिक्कत काफी ज्यादा रहा था और डेली लिमिट का भी दिक्कत आ रहा था, तो इन सभी से हमारे सभी ग्राहकों को छुटकारा मिला, लिमिट भी बढ़ गया ज्यादा, और महीने का लिमिट बढ़ गया, और वो अपना उनका 9 मंथ भी बढ़ गया। तो बहुत ही कमाल का अपडेट है, और हमारे जितने वीसी मर्चेंट भाई है उनको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताया। और बस आपको ये छोटा सा जानकारी शेयर करना था, यदि वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।